नमस्कार दोस्तों, पाल परिवार के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए यूपीपीसीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा फुल डिटेल के साथ में करवाया जाएगा, और इस वीडियो से आपका एक या दो नंबर फिक्स रहेगा। प्रत्येक वीडियो में आपको एक या दो नंबर इस प्रकार से बताया जाएगा कि एक दो नंबर आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वायर गेज, यहाँ पर जो वायर गेज है, वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है, जो वायर गेज प्लेट का आकार होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पंखा करंट में के डॉट डॉट प्रभाव के कारण घूमता है। दोस्तों जो पंखा होता है वो किस प्रभाव के कारण घूमता है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में चुंबकीय, तापक, रासायनिक और सेवक यांत्रिक इस प्रकार से लिखा गया है। तो पंखा जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। पंखा कैसे होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या कहा जाता है। वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा उसे द्विपक्षीय सर्किट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय सर्किट कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय सर्किट। वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विपक्षीय सर्किट कहते हैं। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया जा रहा है। यहाँ से आपको जो है एक या दो नंबर आपका फिक्स करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में आपको करंट का पता लगाना है कि इसमें कुल कितना करंट प्रवाहित होगा। तो सर्किट में खींचे गए कुल करंट का पता अगर लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये हमारा सर्किट दिया गया, यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3, इसमें तीन प्रतिरोध दिया गया है, वोल्टेज का मान 9 लिखा गया। अगर यहाँ पर वोल्टेज का मान हमारा 9 लिख दिया गया है, 9 वोल्ट, और यहाँ पर जो प्रतिरोध R, अगर हमको कुल प्रतिरोध मालूम हो जाए, जैसा कि आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। अगर हमको यहाँ से अगर कुल प्रतिरोध का मान पता चल जाता है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कुल प्रतिरोध का मान अगर निकालना होगा तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 3 ये हो गया, 3 10 13 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ने पर 13 5 18 13 3 16 दोस्तों, यहाँ पर ये 10 है तो 10 3 13 5 18 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 18 हो जाता है और आपको करंट का मान पता लगाना है तो यहाँ से करंट बराबर, यहाँ से देखिए, अगर करंट I बराबर क्या करेंगे, V/R हो जाएगा। और V का मान यहाँ पर कितना लिखा गया है, वोल्टेज हमारा 9 लिखा गया है, और R का मान हमारा हो गया 18। इसको काटते हैं, 9 51 9 2 18 1/2 हो गया। इसको अगर और काटते हैं तो 0.5 हमारा एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा डिटेल में आप लोगों को करवाया जाएगा दोस्तों। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक सर्किट, एक समांतर सर्किट में किसकी संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। अगर समांतर सर्किट है तो हाँ, जैसे कि आपको पता है कि 1/R बराबर, अगर हम प्रतिरोध में देखते हैं, क्योंकि कह रहा है कि प्रतिरोध घटता है, तो प्रतिरोध कब घटता है, जब ये सर्किट हमारे पैरेलल में होते हैं, अर्थात समांतर में होते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से अगर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध, यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंट, जब रेजिस्टेंट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब रेजिस्टेंट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ऐसे कंडीशन में उनकी संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले MCB को दर्शाता है। वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले MCB को दर्शाता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। वह संकेत ढूंढे, यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 3 पोल वाले MCB को दर्शाता है, तो इसमें जो 3 पोल वाला MCB होता है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। 3 पोल वाले जो MCB होती हैं वहां पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पर 1 2 3 3 पोल हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हमारा कि किसी मशीन में डमी कॉयल का प्रयोजन
क्या होता है, किसी मशीन में जो डमी कॉयल का क्या प्रयोजन होता है, डमी कॉयल का प्रयोजन क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यांत्रिक संतुलन। ये क्या करता है, यांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। जो डमी कॉयल होता है वो यांत्रिक संतुलन को बनाए रखता है, यांत्रिक संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट है जो किसको परिवर्तित करता है। इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट है जो डॉट डॉट में परिवर्तित करता है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, तो इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या उपयोग होता है, एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 39 में अगर एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो होता है वो एसी आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी आर्मेचर करंट को क्या करता है, डीसी में परिवर्तित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है कि आर्टिफिशियल हार्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोटर कौन सा है। आर्टिफिशियल हार्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जो मोटर होता है वो कौन सा मोटर होता है। तो यहाँ पर वो कौन सा मोटर होता है, बिना ब्रश वाले डीसी मोटर, बिना ब्रश वाले डीसी मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल हार्ट पंप में। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है कि बायोमेडिकल वाले उपकरण में, तो वहां पर हम बिना ब्रश वाले डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है SF6 गैस का परिवहन डॉट डॉट किसमें किया जाता है, SF6 गैस का परिवहन किसमें किया जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सिलेंडरों के तरल रूप में, सिलेंडरों के तरल रूप में SF6 गैस का परिवहन किया जाता है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, सिलेंडरों के तरल रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि फ्यूज आमतौर पर एक डॉट डॉट होता है, फ्यूज आमतौर पर क्या होता है, फ्यूज आमतौर पर क्या होता है। तो फ्यूज का कार्य क्या होता है, करंट को सीमित करने वाला डिवाइस होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट को क्या कर देता है, करंट को क्या कर देता है, रोक देता है, अर्थात फ्यूज कट जाता है, जिससे जो है करंट का प्रवाह रुक जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक आर्मेचर बाइंडिंग में एक टर्न का क्या कार्य होता है, एक आर्मेचर बाइंडिंग में एक टर्न डॉट डॉट का होता है, तो किसका होता है। यहाँ पर देखिए एक टर्न जो होते हैं वो दो कंडक्टर का होता है, एक आर्मेचर बाइंडिंग में एक टर्न जो होते हैं वो दो कंडक्टर के होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अगर डीसी संट मोटर की रफ्तार बढ़ाई जाए, अगर डीसी संट मोटर की रफ्तार बढ़ाई जाए तो बैक ईएमएफ के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर डीसी संट मोटर की रफ्तार को बढ़ाया जाए तो बैक ईएमएफ के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बैक ईएमएफ का मान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डीसी संट मोटर की अगर रफ्तार बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती होता है, अर्थात ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य लिखा गया है कि SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ ऑप्शन को देख करके उसका आंसर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कहता है ऑप्शन कुछ दिया रहता है, तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार सेट करना रहता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि परिपथ वियोजक सामान्य रूप से कब कार्य करता है, परिपथ वियोजक जो होता है सामान्य रूप से कब कार्य करता है, तो वो लाइन में त्रुटि होने पर कार्य करता है,
कब कार्य करता है? लाइन में त्रुटि होने पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? तो जो फ्यूज होता है उसका काम क्या होता है? लघु परिपथ परीक्षण करना। मोटर परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है कि लघु परिपथ परीक्षण करना, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद भी आता है तो चैनल को लाइक जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क आने किसके बने होते हैं? जो आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं परिपथ वियोजक में? हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु के बने होते हैं। तांबा टंगस्टन और मिश्र धातु के बने होते हैं। तो परिपथ वियोजक में जो आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? तांबा टंगस्टन ये मिश्र धातु के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एमएचओ रिले किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? एमएचओ रिले किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ट्रांसमिशन लाइन के लिए एमएचओ रिले प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, अधिकांश फ्यूज धारा किसके प्रभाव के कारण संचित होता है? अधिकांश फ्यूज धारा किसके प्रभाव के कारण संचित होता है? तो किसके प्रभाव के कारण संचित होता है? तापक। तापक यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश फ्यूज धारा किसके प्रभाव के कारण संचित होता है? तो तापक यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए। कह रहा है, अधिकांश फ्यूज धारा किसके प्रभाव के कारण संचित होता है? तो इसको मैंने आपको बता दिया, तापक। क्वेश्चन नंबर 51 देखना है, श्रेणी मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो श्रेणी में मोटर होते हैं उनका जो क्षेत्र बाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं, इनकी क्षेत्र बाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं। और यही अगर समांतर मोटर, जैसे ये श्रेणी मोटर है, अगर जो है समांतर मोटर होता तो उसमें क्या होता, तो उसमें जो है क्षेत्र बाइंडिंगों की यहाँ पर जो संख्या होती है वो अधिक होती है और पतले तार की होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि श्रेणी मोटर में, तो श्रेणी मोटर में इनकी क्षेत्र बाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी के नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है? इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है? तो ये किस रूप में कार्य करती है? तो ये डीसी सीरीज मोटर के रूप में कार्य करती है। डीसी सीरीज मोटर अर्थात डीसी श्रेणी मोटर के रूप में कार्य करता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कह रहा है, न्यूट्रल भू संपर्क का क्या लाभ होता है? न्यूट्रल भू संपर्क का क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर जैसा कि चारों ऑप्शन लिखे गए हैं, यह सेवा का विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है, ये एकदम सही लिखा गया है। आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को पृथ्वी में डिस्चार्ज कर देता है, ये भी एकदम सही है। लगातार आर्किंग भू संपर्क से मुक्त करता है, ये भी सही है। यह कार्मिकों और उपकरण को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परावर्तित होता है? इलेक्ट्रिकल मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होता है? तो किसके मध्य परावर्तित होता है? 1.1 को 1.25 के मध्य, किसके मध्य परावर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? तो किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण कह रहा है,
तो ये ट्रांसलेट प्रणाली हमारा सही हो जाएगा, और मेज प्राइज प्रणाली अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। टोटल देखेंगे अगर दोनों ऑप्शन सही है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये निर्भर लिखा है, तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, भार की मात्रा पर तो निर्भर करती है, ये तो सही है, भार की अवधि पर निर्भर करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है द्विपक्षीय स्प्रिट में भिन्न डॉट डॉट युक्त दो धातुओं की स्प्रिट्स होती है, तो कैसी होती है, तो इस 57 में जो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें प्रसारण का गुणांक, उसमें प्रसारण का गुणांक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी प्रकार से वीडियो डेली डेली मिलता रहे, और यहाँ से हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि लगभग 80% क्वेश्चन हम यहीं से आप लोगों के लिए फंसा देंगे, चाहे जैसे फंसा देंगे। आज से अब आपको डेली जो है वीडियो मिलते रहेंगे, 30-30 क्वेश्चन का जो है वीडियो रहेगा, अब मुश्किल से 18 से 20 सेकंड मिनट का जो है वीडियो रहेगा, तो कम समय में जो है 30-30 क्वेश्चन आप देखते चलें, एक दिन बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और उसी में से आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बुखोर्ज रिले एक डॉट डॉट संचलित रिले है, तो बुखोर्ज रिले कैसी रिले होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गैसीय रिले है, बुखोर्ज रिले एक गैसीय संचालित रिले है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है फीडर्स के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो फीडर्स के लिए हम ट्रांस रिले का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 660 वोल्ट से कम, 660 वोल्ट से कम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्त अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा अगर पसंद आया है तो, और इस प्रकार का अगर वीडियो डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, नमस्कार।